अगर इसको मैं ए बोल दूँ, ये बी सी, तो ऐसे करके ऐसे लिखने को ऐसे भी लिख सकते हो, स्लोप इक्वल्स टू ए बी बाई बी सी, क्योंकि स्लोप क्या होता है, टैन थीटा होता है ना, वो क्या हो गया वाई टू माइनस वाई वन बाई एक्स टू माइनस एक्स वन, लिख लो। क्लियर? क्या इसमें कोई डाउट? बिल्कुल मक्खन की तरह समझ में आया ना? यस सर। अच्छे से ये स्लोप होता है y2 - y1 / x2 - x1। ठीक है, आगे बढ़ते। अब अगर थीटा एंगल ही बताओ तब तो स्लोप ऐसे ही बता सकते हो ना। अगर स्लोप टैन थीटा पता है, अगर मैं बोलूँ कि हाँ ये एंगल ही थीटा पता है, एंगल ही थीटा गिवन है 60 डिग्री तो 45 डिग्री तो कुछ भी ऐसे एंगल पता है, तो क्या स्लोप तो ऐसे ही बता दोगे? अगर मैं बोलूँ कि दिस थीटा एंगल इज 60 डिग्री तो स्लोप क्या बोलोगे आप? रूट थ्री बोल दो, टैन 60 डिग्री रूट थ्री हो जाएगा। और पाई के टर्म में आप लोगों को पता ही है, अगर मैं बोलूँ कि एंगल थीटा इज 2π/3 तो क्या कुछ ऐसा हो जाएगा? है ना, ये एंगल क्या हो गया 2π, ये पॉजिटिव x एक्सिस के साथ, किसके साथ? पॉजिटिव x एक्सिस के साथ एंगल देखते हैं, ना कि नेगेटिव x एक्सिस के साथ। कोई बोलेगा क्यों सर आपने ये एंगल क्यों लिया, ये एंगल क्यों नहीं लिया, तो हम लोग किसके साथ देखते हैं? पॉजिटिव x एक्सिस के साथ देखते हैं। ठीक है, तो ये एंगल इफ 2π/3 है तो स्लोप क्या बोलूंगा मैं बताओ? टैन 2π/3। पूछूं मैं किसी से क्या वैल्यू होता है टैन 2π/3? कितना होता है? इतना लेट, इतना टाइम, सोच के बोलो टैन 2π/3, जल्दी बोलो, ऐसे सोचो ना तुरंत। देखो कैसे सोचेंगे बताता हूँ, 2π/3 को पाई माइनस पाई बाय थ्री सोचने में प्रॉब्लम होती है, 2π/3 को पाई माइनस पाई बाय थ्री, पाई माइनस पाई बाय थ्री दिक्कत होता है। 2π/3 को अगर मैं पाई माइनस पाई बाय थ्री बोलूँ तो सोनू कुछ दुख होगा क्या तुम्हें? ऐसे क्या लिख सकते हैं ना? Yes, और ये धीरे धीरे तुम्हें आदत डालना पड़ेगा कि ऐसे दिमाग में ही सोच लो कि 2π/3 को पाई माइनस पाई बाय थ्री लिख सकते हैं। ऐसा सोचेंगे कि 3π से मल्टीप्लाई होगा तो 3π होगा, माइनस 2π होगा तो 2π हो जाएगा, है ना। ऐसे ही अगर 4π/5 रहता है, अगर 4π/5 रहता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से एक ही कम होता है, तो बहुत फ़ायदा है कि आप पाई माइनस पाई बाय डिनोमिनेटर जो है लिख दो। 4π/5 है तो पाई माइनस पाई बाय फाइव, 5π/6 है तो पाई माइनस पाई बाय सिक्स, समझ रहे हो? 5π/6 है तो पाई माइनस पाई बाय सिक्स। अगर मैं सीधे तुमसे पूछूं कि टैन 5π/6 होगा तो वैल्यू क्या होगा, तो तुम क्या सोचोगे? टैन पाई माइनस पाई बाय सिक्स, पाई माइनस 180 माइनस तुरंत दिमाग में आना चाहिए सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? टैन थीटा नेगेटिव होता है, तो टैन पाई बाय सिक्स क्या हो जाएगा? 1/√3, तो -1/√3 होगा। और यहाँ पे tan 2π/3 मैं सीधे लिखूंगा -tan π/3, और tan पाई बाय थ्री मतलब पाई बाय थ्री 60 डिग्री कन्वर्ट करके नहीं देखेंगे, वो क्या होता है √3 होता है, तो क्या हो गया -√3 लिख दूँ, तो मतलब इस लाइन का स्लोप कितना हो गया? -√3। सब सही चल रहा है? कोई प्रॉब्लम किसी को? कुछ लिखना है तो लिख लो। या दूर वालों को तो दुख हो रहा होगा थोड़ा सा, ऐसा है क्या? नहीं, उनके लिए भी कुछ अलग से पढ़ा दूंगा मैं, ऐसा कुछ नहीं। लिख लो, लिख लिए।
सबका नोट्स भी देखने का मौका मिलेगा मुझे? नोट्स कंप्लीट है ना सबका? यस सर। ऐसा तो नहीं है कि मास ऑनलाइन का कौन लिखता है, क्या फर्क पड़ता है? नो सर, लिखे हैं सर। लिखे हो ना सब? बिठा दो सब। यस सर। आगे बढ़ते हैं। कुछ ऐसे ही एंगल देता हूँ और तुम्हें तुरंत आंसर बोलना है, ठीक है? What is the slope of a line? एक बात और बताना, जैसे कि ऐसे में बात बात करते रहूँगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? देखो कई, जैसे टेंथ तक तुम लोग थे हिंदी में ज़्यादा आदत थी पढ़ने का, फिर सडनली थोड़ा सा इंग्लिश भी इंक्लूड हो गया, तो प्रॉब्लम अब कम हुआ कि नहीं हुआ? धीरे धीरे क्या अब तो लग रहा होगा कि हाँ सब समझ में आ जाता है? ऐसा ही होता है सबके साथ, यही होता है। मैं भी जब टेंथ तक था तो तुम्हारी तरह मैं भी था, टेंथ तक मैं भी यहीं पढ़ा हूँ ना। तुम जिन टीचर्स से पढ़ रहे हो मैं भी उन्हीं टीचर्स से पढ़ा हूँ टेंथ तक, तो मेरे साथ भी ये चीज़ होता था, है ना? लेकिन वो प्रॉब्लम कुछ दिन रहता है और वो कुछ दिन तक थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ता है, ठीक है? और फिर धीरे धीरे वो इतना कम हो जाता है कि बाद में तुम्हें हिंदी में लगेगा कि समझ में नहीं आया, इंग्लिश में ज़्यादा समझ में आने लगता है ना? तो वो तुम्हें थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, तो फिर मज़ेदार हो जाएगा। व्हाट इज द स्लोप ऑफ अ लाइन होज, अब मैं वर्ड्स इंक्लिनेशन बोल दूँ तो समझ में आ रहा है क्या? यस सर। एंगल ही हो गया इंक्लिनेशन और कुछ नहीं हुआ। एंगल मैंने बोला 0 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 150 डिग्री। टाइम तुम्हारे पास 30 सेकेंड का दे रहा हूँ, चारों का आंसर आना चाहिए 30 सेकेंड में, जल्दी। हो गया सबका? इतना टाइम नहीं, जल्दी क्या करो। अगर तुम लोग बोलो तो इस बार का टेस्ट भी मैं ऑफलाइन करा देता हूँ, चलेगा? यहाँ आके एग्जाम देना पड़ेगा, दोगे? ठीक है, देखते हैं। हो गया सर। आ गया सबका? टैंग 0, टैंग थीटा सोचना है बस। इंक्लिनेशन मतलब क्या होता है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल, ठीक है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल, वो 0 डिग्री। टैन 0 क्या होता है? 0। टैन 90 क्या होता है? इन्फिनिटी। क्या दिमाग में ऐसा घूम रहा है कि अच्छा लाइन कैसा होगा? स्लोप 0 है मीन्स लाइन ऐसा हो गया, है ना? क्या थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ क्या मैं? समझ में आ रहा है? तुम्हें समझ में आ रहा है? अरे बोलो, नहीं आ रहा है क्या? फिर मैं वापस से समझाऊंगा। देखो क्या होता है, ऐसे बोलना पड़ेगा तुम्हें, शर्माएंगे नहीं थोड़ा कि सब बाकी लोग यस सर यस सर बोल रहे हैं तो मुझे ऐसा, सबका डिफरेंट डिफरेंट होता है, नहीं आता है तो बोलेंगे। तुम्हें आपको आ रहा है समझ में? आ रहा है ना तुम्हें? आ रहा है समझ में? ठीक है, तो लड़कों में किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? तुम अनुरंजन नाम है ना तुम्हारा? ठीक है अनुरंजन। अंकित आ रहा है ना? ठीक है। देखो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि हम लोग देखेंगे, जैसे ये तुम समझ लो ये अपना धरती है, ये जो लाइन है एक्स एक्सिस, ये अपना धरती है, उसका पैरेलल कुछ, पैरेलल समझते हो, समांतर? yes, उसका पैरेलल कुछ रहेगा मीन्स धरती के साथ वो एंगल कितना बना रहा है? 0 डिग्री, है ना? 0 डिग्री बना रहा है, तो 0 डिग्री रहेगा तो उसका स्लोप भी क्या हो गया? टैन 0। अब टैन 0 का वैल्यू क्या होता है? 0। उसका स्लोप क्या हो गया? 0। ठीक है, वैसे ही 90 डिग्री, तो धरती के साथ 90 डिग्री एंगल वाई एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, है कि नहीं? वाई एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, तो फिर मीन्स उसका स्लोप क्या हो गया? इन्फिनिटी, क्योंकि टैन 90 क्या होता है? इन्फिनिटी। तो स्लोप इन्फिनिटी भी हो सकता है। स्लोप इन्फिनिटी देखे तुरंत क्या समझोगे? अच्छा वाई एक्सिस के पैरेलल है, लाइन क्या है? वाई एक्सिस के पैरेलल है। एक तुरंत वो एंगल स्लोप देख के तुम्हें ऐसा लगना चाहिए कि लाइन है किधर आते, है ना? लाइन ऐसे है, लाइन ऐसे है, लाइन ऐसे है, तो ऐसे दिमाग में खाका तैयार होते रहता है ना, तो फिर क्वेश्चन और भी ज़्यादा चांसेस हो जाता है तुम्हारा होने का, ठीक है? तो ये इन्फिनिटी मीन्स क्या? वाई एक्सिस के पैरेलल 120 डिग्री।
दिमाग लगाओ किधर होगा लाइन, ऐसा हो जाएगा yes, 120 डिग्री तो ऐसा हो जाएगा। और अभी जस्ट 128 2 पाई बाय 3 होता है, 120 क्या होता है 2 पाई बाय 3 होता है, पाई रेडियन। तुम लोगों में से कुछ लोग नए हो क्या? कोई नया नहीं है ना? No, sir. कोई भी नहीं है ना? तुम सब लोग ऑनलाइन ज्वाइन रहते थे, ट्रिगोनोमेट्री पढ़ा है? ट्रिगोनोमेट्री अगर नहीं पढ़ा है तो दिक्कत होगी, तो किसी से नोट्स ले लेना और ट्रिगो तो देख ही लेना। एक भी चैप्टर नहीं मिलेगा जिसमें ट्रिगो नहीं आएगा, हाँ एक दो हो सकता है आ जाए, ट्रिगोनोमेट्री आना चाहिए, इसलिए उसमें अच्छे से टाइम दिया था मैंने, तो किसी से नोट्स ले लेना। कोई भी डाउट हो मैं यहीं पे हूँ, या मेरा घर भी पता है तुम लोगों को, ठीक है? कभी भी कोई भी डाउट पूछो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? लेकिन ट्रिगो आना चाहिए, क्वाड्रेटिक आना चाहिए, FOM1 आना चाहिए, FOM2 आना चाहिए। सिलेबस अब तुम्हारा जाके प्रॉपर वाला स्टार्ट हो रहा है, इससे पहले तो बेसिक देख लो, है ना? अब जो स्टार्ट होगा ऐसे स्ट्रेट लाइन कॉनिक सेक्शन सर्कल्स चलता ही रहेगा और मज़ा आता रहेगा अगर पहले का कंप्लीटेड है तो, ठीक है? तो अब पाई रेडियन 180 डिग्री होता है, तो 2 पाई बाय 3 क्या हो जाएगा? तू समझो ना, पाई का 180 डिग्री बाय 3 कितना हो गया? 120 डिग्री हो गया ना, है कि नहीं? तो ऐसे 120 डिग्री तो ऐसे सोच लो 180 माइनस 60, तो tan 180 माइनस 60 माइनस tan 60, है ना? ऐसा होता है, ये लोग भी याद ही रखो, माइनस tan 60, tan 60 क्या होता है? रूट 3, tan 60 तो रूट 3 होता है ना, तो इसका स्लोप क्या हो गया? माइनस रूट 3। बोलो समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? और 150 डिग्री जिससे पूछूंगा वही बताएगा, तुम बताओ, सोचो, कोई बात नहीं गलत चलेगा, तुम राम श्याम मोहन घनश्याम कुछ भी आंसर बोलो, लेकिन बोलो 1/√3, ठीक है? अनुरंजन तुम बोलो, कुछ भी चलेगा आंसर दो, सोचो एक मिनट, बैठ जाओ, कोई बात नहीं, बैठ जाओ बैठ के बोलो, बोलो ऐसे सोचो ना, 150 डिग्री tan 150 निकालना है ना, तो tan 150 को क्या लिखेंगे? tan 180 माइनस 30 लिखेंगे ना, yes, sir. tan 180 माइनस 30 क्यों अंकित, ये लिखेंगे ना, फिर वो क्या हो जाएगा? माइनस tan 30, tan 30 क्या होता है? 1/√3, माइनस 1/√3, पहले ही डर गया था ना तुम, बताओ, तो डरेंगे नहीं, कोई बात नहीं, इसका स्लोप क्या लिख दूंगा मैं? माइनस 1/√3। बोलो समझ में आया? yes, कुछ कॉपी करना है जल्दी कर लो, हो गया? समझ में आ रहा है ना? yes, एक परसेंट भी डाउट नहीं होना चाहिए, डाउट बिल्कुल मत रखना, एक परसेंट भी नहीं, मेरी दिक्कत हो गई, लिख लिया सबने? yes, आगे दो और क्वेश्चन करते हैं। व्हाट इज द स्लोप ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू दी पॉइंट्स, जल्दी जल्दी आंसर देना है। पासिंग थ्रू का स्पेलिंग कुछ और होता है, लेकिन मैं टी एच आर यू लिख दूँ तुम लोगों को कोई दुख तो नहीं होगा, स्पेलिंग कुछ और होता है, लेकिन शॉर्ट के लिए चलेगा, थ्रू दी पॉइंट्स, पहला 1.6 एंड -4.2, इसका आंसर बताओ, उसका स्लोप क्या होगा? अभी मैंने कॉन्सेप्ट सिखाया है आपको, 5.9 एंड 2.9, सोच लो, जीरो सर, ऐसे बोलोगे ना, आ गया दोनों, बाकी लोग तुम लोगों का तुम्हारा नाम पूजा है ना, मैं धीरे धीरे सबका नाम याद कर लूंगा, अनुरंजन, अंकित, ऋतिक, सोनू, तुम्हारा, तुम यशवंत हो ना, यशवंत, पूजा, निकिता, तुम्हारा क्या नाम है?
नेहा, तुम्हारा क्या नाम है? रुको मैं बताता हूँ, गुंजन, गुंजन ही है ना? ठीक है, तुम्हारा नाम रुको बताता हूँ मैं, निक्की, ठीक है, तुम्हारा क्या नाम है? सरिता, हाँ सरिता तुम भी आती थी, तुम्हारा क्या नाम है? अनुपम, तुम नहीं आती थी ना, तुम ज्वाइन होती थी अनुपम नाम से? अच्छा अनुरंजन के साथ, ठीक है, अच्छा तुम लोग भाई बहन हो, ठीक है अनुपम, तुम्हारा क्या नाम है? रा काजल, ठीक है काजल, तुम भी आती थी ना काजल नाम से? नहीं आती, काजल और अनुपम ये दो नया नाम है, और तुम्हारा भी नहीं, तुम्हारा तो तुम भी आती थी ना? देखो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट्स को डिफरेंट का डिफरेंस लेंगे और एक्स कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस लेंगे, तो वाई कोऑर्डिनेट्स में अगर अगर तुमने पहले इसका वाई कोऑर्डिनेट लिया तो एक्स कोऑर्डिनेट भी पहले इसी का लेना, yes. यहाँ भी कई लोग गलती करते हैं, मैंने क्या लिखा था याद करो, स्लोप क्या लिखा था, वाई टू माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन, है ना, तो पहले जिसका किसी को भी तुम एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू ले लो, लेकिन जिसका भी वाई टू पहले लिया एक्स टू भी पहले उसी का ले लो, तो क्या लिखूँ, कोई भी ले लो, सिक्स माइनस टू डिवाइड बाई वन माइनस माइनस फोर प्लस फोर हो जाएगा, कोई दिक्कत, इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर बाय फाइव, यही स्लोप हो गया। तुम बोलोगे सर ये स्लोप, अब ये इंक्लिनेशन क्या रहेगा उसका एक्स एक्सिस के साथ, सोचो फोर बाय फाइव वन से थोड़ा सा छोटा है ना, वन से थोड़ा सा छोटा है, वन होता है तो टेन फोर्टी फाइव होता, वन होता तो टेन फोर्टी फाइव होता, होता ही नहीं होता, और वन से थोड़ा सा कम स्लोप तो वन होता तो कुछ ऐसा होता, उससे थोड़ा सा कम स्लोप तो कुछ ऐसा होता है कि नहीं, तो ये लाइन कुछ ऐसा दिखेगा, ये मैं बस तुम्हारे समझने के लिए बता रहा हूँ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन तुम्हें ऐसा थोड़ा सा खाका तैयार होते रहना चाहिए, उससे क्वेश्चंस आगे और तुम्हें ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। इसका स्लोप की बात करें, इसके स्लोप की बात करें तो वो स्लोप क्या हो जाएगा, नाइन माइनस नाइन फाइव माइनस टू इक्वल्स टू जीरो, कुछ लोग इन्फिनिटी बोलते हैं लेकिन नहीं बोलेंगे, ठीक है, सोचेंगे अच्छे से, इसका स्लोप क्या हो जाएगा, जीरो, जीरो मतलब क्या हो गया, एक्स एक्सिस के, ठीक है, लिख लो जिसे नहीं हुआ था। एक और क्वेश्चन करते हैं, क्यों अनुरंजन आ रहा है समझ में, किसी को भी दिक्कत मैं बार बार बोल रहा हूं, शर्माना मत, अगला एग्जांपल करो, सो दैट समझते हो, यस सर, दी पॉइंट्स 1, 1, 2, 3 and 3, 5 आर कोलीनियर, कोलीनियर क्या होता है, कभी नाम सुना है, yes, sir. एक ही लाइन में, करो जल्दी बताओ कैसे होगा, आया किसी का, गुड yes, इफ आ गया तो, लेकिन 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 डिस्टेंस फॉर्मूला से नहीं करना है, सब पता है मुझे, तो डिस्टेंस फॉर्मूला से ही कर रहे होगे, yes, है ना, डिस्टेंस फॉर्मूला के अलावा कुछ और सोचो, क्या किसी और तरीके से कोलिनियर प्रूव किया जा सकता है, डिस्टेंस फॉर्मूला से कर लिया अच्छी बात है, चलो मैंने मान लिया, लेकिन क्या कुछ और किया जा सकता है, yes. क्या किया जा सकता है बताओ अब्दुल, क्या
बोलो बोलो, कोई बात नहीं, बोलो। जीरो थीटा होगा, आया कुछ तुम्हारा डिस्टेंस फॉर्मूला से की? ठीक है, कोई बात नहीं, सही है। कुछ और मैं बताता हूँ, वो भी सही है, गलत नहीं है, लेकिन कुछ और सोचना है थोड़ा। तुमने भी डिस्टेंस फॉर्मूला से कर लिया, थीटा इक्वल होगा, इन थीटा इक्वल स्लोप इक्वल है ना, इन दोनों पॉइंट्स मतलब कोलिनियर होने के लिए तीनों एक ही लाइन में होगा। yes, तो एक लाइन पे कोई भी दो पॉइंट उठाओ, तुम एक लाइन का कोई भी दो पॉइंट उठाओ, उससे जो स्लोप निकालेंगे वो तो सेम ही होगा। एक लाइन पे कितने पॉइंट्स होते हैं? अनंत पॉइंट होते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं। उसका कोई भी ये पॉइंट उठा लिया, ये पॉइंट उठा लिया, इन दोनों का यूज करके जो स्लोप आएगा, क्या यहाँ एक और इन दोनों का यूज करके भी वही स्लोप आएगा? फिर कहीं और पॉइंट ले लेंगे, उन दोनों का यूज करके भी तो वही स्लोप आएगा, है ना? स्लोप इक्वल लेने वाला है, वो कॉन्सेप्ट भी यूज किया जा सकता है। तो कोलिनियर प्रूव करने का कितने कॉन्सेप्ट मिल गए तुम्हें? दो। क्या क्या? डिस्टेंस फॉर्मूला से, दूसरा स्लोप से, आगे एक और बताऊंगा, ठीक है? तो पहला मैं क्या करता हूँ, एक पॉइंट को ए ले लेता हूँ। अगर आपको स्कूल के एग्जाम में लिखना है तो ऐसे लिखोगे, 1, 1, बी 2, 3, सी 3, 5। तो स्लोप को एम से रिप्रेजेंट किया जाता है, किससे? एम से। तो एम ऑफ ए बी, ए बी का स्लोप इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बताओ? 3 - 1/2 - 1 बोलो, इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 2/1 = 2। स्लोप ऑफ बी सी निकाल लेते हैं, अगर 2 आया तो कोलिनियर प्रूव हो गया, है ना? 2 अगर आया तो कोलिनियर प्रूव हो गया। तो क्या करेंगे बताओ? 5 - 3/3 - 2 बोलो, 2/1। तो बिकॉज स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी, ए बी एंड सी आर कोलिनियर। आई बात समझ में? yes, sir. कोई दिक्कत किसी को? लिख लो, हो गया? सेक्शन फॉर्मूला तो याद होगा आप लोगों को। yes, उसका यूज करके एक एग्जांपल करते हैं जो सबका आंसर आना चाहिए। द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स -6, 8 एंड 8, -6 is divided into 4 equal parts. Find the coordinates of the points सेक्शन। मतलब समझे? मतलब उसके बीच में जो पॉइंट आया ना, वो सबका कोऑर्डिनेट पूछा गया है। बस सोचो,
क्यों हुआ? प्रेमजीत का घर बहुत दूर है, उसका घर कहाँ है? सुखा सिंह बहुत दूर है, सुखा सिंह तुम कहाँ से आते हो? अच्छा, इधर से ऐसे घूम के आते हो या इधर से सीधे रोड से घूम के क्यों आना पड़ता है? क्यों हुआ? ज़्यादा टाइम लगा दिया तुम लोगों ने। सर 5/2, 9/2 और 1/1 और 5/2, 9/2 एक पॉइंट हो गया। अच्छी बात है। एक हुआ 1/1 और एक हुआ 9/2 और 5/1। माइनस 5 हो। दोनों जगह माइनस 5/2 हो। यस सर माइनस 5/2। 1/2 नहीं 1। 1/1 और 9/2 माइनस 5/2। सही। सोनू जी आया आपका? आ गया? देखो बताओ, मैं बताऊं अब? देखो -6 8 एक पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है 8, -6। अब इज डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। ये तीनों पॉइंट ले लेता हूँ। अब चाहो तो कुछ इसको नाम भी दे दो, ए बी सी डी ई। अब सी की बात करें, सेक्शन फॉर्मूला का अच्छा खासा आपको यहाँ पे प्रैक्टिस हो जाएगा। अगर ए सी इज टू सी बी की बात करें तो क्या वो 1:3 होगा? होगा ना। मीन्स अगर ये 1 होगा तो ये पूरा 3 होगा, है कि नहीं? yes, तो ये रेशियो की बात कर रही है, इसका लेंथ नहीं है। तो अब सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर मैं ऐसे बोलूँ x1 y1, तो x1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1 × a + 3 × -6 डिवाइडेड बाई 1 + 3। क्या कुछ ऐसा हो जाएगा? yes, sir. ये एक क्वेश्चन क्या हो जाएगा? 8 − 18 / 4 − 10/4 − 5/2, है ना। और अगर y1 की बात करें तो y1 कितना हो जाएगा? 1 × −6 + 3 × 8 / 1 + 3, तो 24 − 6/4, ये कितना आ जाएगा? 18/4 = 9/2। अब इसको अगर मैं x2 y2 ले लूँ, सोनू आपका नहीं आया था? अरे बोलो, यहाँ तो बोलो, ऑनलाइन भी नहीं बोलते हो, यहाँ भी नहीं बोलोगे, कैसे चलेगा? आया था कुछ? क्या बोला? अच्छा, रेशियो आप क्या अज्यूम कर लिए थे? नहीं, रेशियो तो गिवन ही है, इक्वल पार्ट में ले रहे तो रेशियो हो जाएगा ना। फिर इसको x2 = क्या हो जाएगा? अब देखो रेशियो क्या 2:2 हो जाएगा। yes, क्या 2:2 तो मिड पॉइंट ही हो गया ना। 2:2 मीन्स क्या? मिड पॉइंट ही हो गया। क्या मिड पॉइंट? अगर तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो क्या मैं 8 − 6/2 लिख दूं क्या? यस सर।
कोई दिक्कत किसी को? मिड पॉइंट का ये फॉर्मूला होता है ना, एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू, मैंने बताया था ये एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू हो जाएगा। तो ये इक्वल टू कितना हो जाएगा, टू बाई टू दैट इज इक्वल टू वन। और वाई टू की बात करें तो वाई टू कितना हो जाएगा, फिर से एट माइनस सिक्स बाई टू हो जाएगा, टू बाई टू इक्वल टू वन। और इसको अज्यूम कर लेता हूँ एक्स थ्री वाई थ्री, तो यहाँ भी क्या, अगर ये थ्री होगा तो ये वन हो जाएगा। अब x3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 इंटू एट प्लस 1 इंटू माइनस सिक्स, 24 माइनस सिक्स 18 बाई फोर 9 बाई टू। और y3 की बात करें तो y3 कितना हो जाएगा बताओ, 3 इंटू माइनस सिक्स प्लस 1 इंटू एट डिवाइड बाई 3 प्लस 1 माइनस 18 प्लस 8 माइनस 10 बाई फोर इंटू माइनस 5 बाई टू। तीनों पॉइंट्स क्या क्या हो गए, पहला माइनस फाइव बाई टू नाइन बाई टू, दूसरा वन वन, और तीसरा नाइन बाई टू माइनस फाइव बाई टू। ये तीनों आंसर हो गए। आ गया समझ में सब लोगों को? yes, तुम्हें आया समझ में? yes, क्या? yes, हाँ बिल्कुल, कुछ गलत नहीं हुआ। अगर सी डी और डी बी में वन इज टू टू लेके आप निकालोगे तो भी बिल्कुल सही आना चाहिए। आंसर यही है ना, बिल्कुल सही है, कुछ गलत क्यों है, सही है, बिल्कुल सही। समझा उसने क्या बोला? yes, sir. उसने बोला कि सी पॉइंट निकाल लिए, फिर सी के बाद वन इज टू टू, मतलब ना उसने थोड़ा उल्टा पकड़ लिया। हो गया?